सुप्रभात दोस्तों, मैं नाड़ीवेद गजेंद्र पालीवाल आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम जानेंगे अजीर्ण के बारे में। देखिए, अजीर्ण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है इंडाइजेशन, अपचन या बदहजमी होना। सामान्यतः आप सभी लोग इससे परिचित होंगे। देखिए, आयुर्वेद के अनुसार अजीर्ण या अपचन 6 प्रकार का होता है, लेकिन उसमें से मुख्य 4 प्रकार के होते हैं। अब हम यहाँ इन 6 की चर्चा नहीं करेंगे या इनके नाम नहीं बताएंगे, क्योंकि इनके नाम जानकर आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो हम सीधे इनके लक्षणों की बात करेंगे। देखिए, अजीर्ण को पहचानने का एक बहुत ही मुख्य लक्षण है कि ये हमेशा नाभि के ऊपरी भाग में होता है। जब आपको ऐसा महसूस हो कि आपको भोजन करते टाइम गीलने में कुछ ताकत लगाना पड़ रही है, या आपको नाभि के ऊपरी भाग में कुछ भारी लगे, या इस पोर्शन में आपको ऐसा लगे कि भोजन अटक रहा है, तो आप समझिए कि आपको अजीर्ण की कुछ शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही अगर आपको लगे कि आपको पेट में सूजन है, आपका जी मछला है या मितली आए, खट्टी डकारें आए, थोड़ा सा खाने पर ही ऐसा फील हो कि बहुत ज़्यादा आपने भोजन कर लिया है, या पेट बहुत भरा हुआ महसूस हो, या भूख कम लगने लगे, थोड़ा सा पानी पीने पर ही पेट फूल जाए, थोड़ा सा भोजन करने पर ही पेट फूल जाए, तो आप समझिए कि आपको अजीर्ण की शिकायत शुरू हो चुकी है। इसके अलावा पेट फूलना, पेट टाइट हो जाना, गैस प्रॉपर नहीं पास होना, ऐसे लक्षण भी अजीर्ण में देखे जाते हैं। और अगर ऐसा हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपको अजीर्ण की शुरुआत हो चुकी है। देखिए, अजीर्ण होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ मुख्य हैं: समय पर भोजन न करना, जल्दी जल्दी भोजन करना, रात में बहुत देर तक जागना, ज़रूरत से ज़्यादा भोजन कर लेना, ज़रूरत से अधिक ड्रिंक कर लेना, बहुत ज़्यादा स्पाइसी भोजन करना, अत्यधिक भारी भोजन करना, अधिक चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल करना, किसी प्रकार का कोई तनाव रहना, किसी प्रकार की कोई एंटीबायोटिक्स का सेवन करना। तो ये कुछ कारण हैं जिनके कारण अजीर्ण हो जाता है। देखिए, अजीर्ण आजकल बहुत एक सामान्य परेशानी है जो हर कभी हर किसी को हो जाती है, लेकिन गंभीरता की बात यह है कि इसको कोई भी गंभीर रूप से नहीं लेता है। देखिए, किसी भी बीमारी की जड़ इंडाइजेशन होता है या अजीर्ण होता है, और इसी से ही सारे रोगों की उत्पत्ति होती है। इसी से आपको कॉन्स्टिपेशन पैदा होगा, और फिर इसी से आपके वात पित्त कफ त्रिदोष डिस्टर्ब होंगे या विकृत होंगे, और फिर आपको नई नई प्रकार की बीमारियां शुरू होगी। तो अगर आपको इन लक्षणों में से कोई भी लक्षण दिखाई देता है, या आपको ये महसूस होता है कि आपको अजीर्ण हो रहा है, या अपचन हो रहा है, या बदहजमी हो रही है, तो आपको प्राथमिकता से इसका इलाज करना चाहिए। अब हम बात करते हैं आपके रुचिकर विषय की। देखिए, सभी लोगों की रुचि होती है कि इस अजीर्ण को घर में ही ठीक कर लिया जाए, आपको डॉक्टर्स के पास या किसी वैद्य के पास नहीं जाना पड़े। तो हम इस वीडियो में आपकी ही रुचि की बात करेंगे। देखिए, अगर आपको अजीर्ण हो चुका है, या आपको लगता है कि आपको अजीर्ण हो गया है और आप पहचान नहीं पा रहे हैं, तो भी आप इन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखिए तो आपका अपचन या डाइजेशन इम्प्रूव हो जाएगा। इसमें ध्यान रखने लायक कुछ बातें हैं जो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगी, और आपका इंडाइजेशन, अपचन या अजीर्ण या बदहजमी स्वतः ही ठीक होने लगेगी। आपको करना यह है कि आपको अपने भोजन के समय को कुछ बढ़ाना है। मतलब, अभी जो आप भोजन 5 मिनट में ख़त्म करते हैं, उसको आप 10 से 15 मिनट में ख़त्म करिए। कहने का मतलब ये है कि आपको चबा चबा कर भोजन करना है। आपको अपने भोजन को प्रॉपर टाइम देना है और चबा चबा कर भोजन करना है, और भोजन के साथ में कुछ भी लिक्विड डाइट पीते रहना है। आप भोजन के साथ में बघरे हुए दही या छाछ का सेवन कर सकते हैं, या आप अगर साथ में कुछ थोड़ी थोड़ी देर में पानी भी पीते रहेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा आयुर्वेद के अनुसार अगर आपको अजीर्ण होता है, तो आपको दिन में केवल 2 बार भोजन करना चाहिए। भोजन अगर आपका हल्का और सुपाच्य रहेगा, तो आपकी ये अजीर्ण की शिकायत बहुत जल्दी ठीक होगी। हल्के भोजन से मतलब आप थूली, दलिया, खिचड़ी, घुटी हुई खिचड़ी, या इसके अलावा अगर आप भोजन में पूरी तरीके से फलों पर डिपेंड हो जाते हैं, तो वो भी बहुत एक अच्छा उपाय है अजीर्ण को बहुत जल्दी ठीक करने का। मतलब, भोजन करते समय आप केवल फलों का, दूध का और फलों के रस का ही सेवन करें, इससे भी बहुत जल्दी अजीर्ण की शिकायत दूर होती है। इसके साथ ही भोजन करने के बाद आपको बाईं करवट जरूर लेटना चाहिए, इससे भी अजीर्ण की शिकायत ठीक होने में बहुत फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा आयुर्वेद के अनुसार आपको अपनी दिनचर्या में 2 बार शौच जाने की आदत शामिल कर लेना चाहिए। भले ही आपको ये लग रहा हो कि आपका पेट अच्छी तरह से साफ़ हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको 2 बार
नियमित रूप से शौच जाना चाहिए। ऐसा करने से अतपका भोजन और दूषित मल बाहर हो जाएगा और आपकी अजीर्ण की शिकायत बहुत जल्दी ठीक होगी। इसके साथ ही आपको अपने भोजन का समय निश्चित कर लेना चाहिए और भोजन की मात्रा पर बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए। सामान्यतः रोज के भोजन से कुछ कम होना चाहिए। इसके साथ ही आपको हमेशा ताज़ा भोजन ग्रहण करना चाहिए और भोजन के बाद एक गिलास पानी में आधा नींबू निचोड़कर उसको धीरे धीरे सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी अजीर्ण की शिकायत बहुत जल्दी ठीक होगी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का विषय अजीर्ण। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा होगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो दोस्तों कमेंट कर ज़रूर बताएं। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हमेशा आपके लिए आता रहूँगा। और अगेन फिर वही बात बोलूँगा, अगर इस वीडियो ने आपके जीवन में कोई वैल्यू ऐड करी हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इस वीडियो का फ़ायदा दूसरों को भी मिल सके। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर मैं हमेशा आपके लिए आता रहूँगा। थैंक यू।